हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फॉर्म व्यू के अंदर कैलकुलेट कैसे किया जाए, हालांकि मैंने पहले भी फॉर्म व्यू को लेकर के कई वीडियोस बनाई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, लेकिन फिर भी ये कमेंट रहता है कि सर फॉर्म व्यू में कैसे कैलकुलेट किया जाए। जैसे अगर आपने फॉर्मूला नहीं लगाया है और क्वेरी नहीं बनाना चाहते हैं, सीधा फॉर्म व्यू में ही कैलकुलेट करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर हाँ तो ये कैसे होगा? सीधा टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना है, फॉर्म व्यू में कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हालांकि हमारे पास कैलकुलेटेड डेटा टाइप होता है, लेकिन हम उस कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कई बार ये भी सवाल आता है, अब चूंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 यूज करेंगे तो वहां तो कैलकुलेटेड मिलेगा ही नहीं आपको। देखिए मैं दिखा रहा हूं करके, देखिए 2007 भी मेरे पास है, तो इसे मैं ओपन करता हूं और इसमें आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप नहीं मिलेगा। कैलकुलेटेड डेटा टाइप का जो है स्टार्टिंग जो है 2016 से होता है, तो मिनिमम अगर आपके पास 2016 है तब तो आप कैलकुलेटेड डेटा टाइप यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कैलकुलेटेड डेटा टाइप यूज करना चाहते हैं तो मिनिमम 2016 अपने पास रखिए। ठीक है, चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे चलेंगे, तो ये क्लिक करेंगे ब्लैंक डेटाबेस पर, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्रिएट पे कर देना है क्लिक सिंपली, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आ जाते हैं व्यू पर, फिर डिजाइन व्यू पर। तो ये आ गया डिजाइन व्यू पर। मैं इसे एक नाम दे देता हूँ इस डेटाबेस को, जैसे इस डेटाबेस को मैं नाम देता हूँ सपोज कीजिए स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट डी कर देता हूं, या टेबल का नाम स्टूडेंट टी। ये टेबल बन रही है, डेटाबेस ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। और यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी की या रोल नंबर की। रोल नंबर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आर ओ डबल एल और अंडरस्कोर लगा के लिखते हैं रोल नंबर। तो ये हो गया रोल नंबर, और ये ऑटो नंबर रखा है हमने। यहाँ पर आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट कर दिया, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और इसका डेटा टाइप टेक्स्ट होगा। आप देखिए ये 2007 है, तो यहाँ आपको शॉर्ट टेक्स्ट नहीं मिलेगा, अब यही डेटा टाइप है कुल मिला के, देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे, जैसे पहला सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, फिर दूसरा सब्जेक्ट यहाँ लूंगा इंग्लिश, तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे लूंगा मैथ्स, तो यहाँ पे मैथ्स कर देते हैं मैं THS, और चौथा सब्जेक्ट यहाँ पे लूंगा मैं क्या साइंस SCIENCE, ये साइंस हो गया। फिर पांचवा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लूंगा मैं, यहाँ पर ले लेते हैं SST हो गया। तो ये इस तरीके से हो गया। लेकिन अब जरा ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमको चेंज करना है, क्या चेंज करना है, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेटा टाइप नंबर रहेगा तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया इस तरीके से। ओके, अब देखिए टोटल मैं यहाँ से नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पर कोई फील्ड नेम टोटल नहीं डाल रहा हूं मैं, सीधा सीधा इस पे व्यू पे क्लिक कर रहे हैं, और व्यू पे क्लिक करने के बाद ये हो गया इस तरीके से। तो टेबल तो हमारी बन गई है, देख सकते हैं। अब टेबल में डेटा फिल करना है तो डेटा भी फिल कर लिया जाए। तो यहाँ पे पहले स्टूडेंट का नाम है SURAJ सूरज, ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर में मार्क्स हैं इनके 78, फिर यहाँ पे 88, फिर यहाँ पे 76, फिर यहाँ 44, फिर यहाँ 45, ये एक मार्क्स हमने दे दिया। फिर यहाँ दूसरे स्टूडेंट है जिनका नाम है युवराज, तो यहाँ युवराज नाम लिख दिया हमने, और यहाँ पर इनके मार्क्स है 45, 66, 77, 88 और यहाँ पे 67, तो ये मार्क्स हैं। ठीक है, इस तरीके से मार्क्स देते चले जाएंगे, अदरवाइज हमको फिर दोबारा से एंटर करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहीं से मार्क्स देते चल रहे हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से मार्क्स दे दिया है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, तीन चार लोगों के मार्क्स हमने एंटर करवा दिए। इसको अब क्या करना है, इसको क्लोज करना है, क्योंकि एक्सेस में ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाता है, आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सेव हो गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फॉर्म व्यू में कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि हमने टोटल किया नहीं है, तो फॉर्म व्यू में कैसे कैलकुलेट किया जाए, सवाल यही है। तो यहाँ से सीधा आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है क्रिएट पर, और यहाँ से आ जाना है कहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर देखिए, ये मोर फॉर्म। तो मोर फॉर्म पे आकर के फॉर्म विजार्ड से हम स्टार्ट करते हैं, और विजार्ड में हम ये सारे फील्ड्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ से लेकर के डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए ये देख लीजिएगा, और यहाँ पर इसे मॉडिफाई भी करेंगे हम। तो ये हमारा फॉर्म है, तो यहाँ पर एफ कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर सारी चीजें आ गई हैं, अब हमको क्या करना है, एक एक चीज यहाँ पे लेके आनी है। तो ये पहला फील्ड हो गया, ठीक है, और फिर ये दूसरा फील्ड हो गया। ठीक है, तो दोनों ही फील्ड यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिए, लेके आ गए हम लोग दोनों ही चीजें यहाँ से। ठीक है, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, और यहाँ पे रोल नंबर हो गया पहले नंबर पे। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें हो गई हैं। अब हमको करना क्या है, अब हमको सारे सब्जेक्ट के नाम लेके आने हैं नंबर के साथ साथ। तो नंबर तो ऑलरेडी दिया पड़ा है हमने, टेबल में ही दे दिया है, तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं, ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, एक सीध में इसे रखेंगे इस तरीके से, फिर ये तीसरा सब्जेक्ट इस तरीके से, फिर ये चौथा सब्जेक्ट,
यहां पर, और फिर ये एट लास्ट पांचवा सब्जेक्ट, यानी कुल मिला के पांच सब्जेक्ट हमारे पास हो चुके हैं, देख सकते हैं आप इनको। और यहां पर मैं बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहता हूं, इरिटेटिंग बैकग्राउंड है ये, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहां से हम चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड ये वाला रखेंगे हम, ठीक है, यहां से जाकर के, और ये कलर बैकग्राउंड के लिए मुझे लगता है ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको टोटल यहां पर करना है, भाई टोटल कैसे होगा, सवाल यही है। तो आपको करना क्या है, यहां पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, यहां पर जाइए और इसको ड्रैग करवा दीजिए, इस तरीके से ड्रैग करिएगा तो ये ड्रैग हो जाएगा, ये हो गया ड्रैग। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर प्रॉपर्टी शीट को ओपन करना है। ये प्रॉपर्टी शीट आपको दिखेगी यहां पर, तो क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको ये देखना है कि यहां पर ये जो लेबल है, इस लेबल का नाम हमें चेंज करना है। तो लेबल का नाम यहां पर टेक्स्ट 7 दिया हुआ है, आप अदर में जाएंगे यहां पर फॉर्मेट में, तो यहां पर टेक्स्ट 7 मिलेगा आपको, तो ये टेक्स्ट 7 हटा दीजिएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स कर देते हैं, टोटल मार्क्स। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे यहां पर, टोटल और अंडरस्कोर लगा देते हैं, MARKS मार्क्स। ठीक है, तो ये टोटल मार्क्स, इस लेबल को हमने नाम दे दिया टोटल मार्क्स। ठीक है, और देखिए ये इस तरीके से आएगा, इसको थोड़ा छोटा बड़ा भी आप चाहे तो कर सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स पे चलेंगे, यारा इसको हटा दीजिए, फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स ये हमें लिख देना है, टोटल अंडरस्कोर MARKS मार्क्स, तो ये लिख दिया है हमने। अब कंट्रोल सोर्स पे आ जाएंगे, ये कंट्रोल सोर्स पे जैसे ही आते हैं तो आपको थ्री डॉट्स दिखाई पड़ेंगे, क्लिक कर दीजिएगा, एक्सप्रेशन बिल्डर आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहां पर चीजों को लिखना है। पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा, COMPUTER कंप्यूटर हो गया, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो ENGLISH इंग्लिश, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर तीसरा सब्जेक्ट क्या है हमारा, SCIENCE साइंस, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर इसी तरीके से SST बचा हुआ है, तो अब फिर स्क्वायर ब्रैकेट बना के SST लिखेंगे और फिर इसको क्लोज करके, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल और स्मॉल का भी फर्क पड़ जाता है इसमें, तो आपको जो चीजें कैपिटल में है वो कैपिटल में ही लिखनी है, जो चीजें स्मॉल में है उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से ओके करना है, और ओके करने के बाद क्या करना है, यहां पर आपको व्यू पे क्लिक करना है। ये व्यू दिख रहा है आपको, बस इसी व्यू पे क्लिक करना है। तो देखिए यहां पर टोटल भी होता हुआ आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं, देखिए यहां पर टोटल भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि हमने यहां पर कितने सब्जेक्ट लिए हैं, जरा देखिए हमारे पास तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4 और ये 5 सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर हमने केवल 4 ही सब्जेक्ट का टोटल किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो पांचवा जो सब्जेक्ट है उसको भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहां से वापस आ जाते हैं कहां पर, कंट्रोल सोर्स पर, ये जो कंट्रोल सोर्स पे जाके हमने फॉर्मूला लगाया था वहीं पर वापस आना है, और फिर इसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ देंगे। थोड़ा सा सीक्वेंस इधर उधर आप कर सकते हो सब्जेक्ट का, जैसे मैथ्स था तो मैथ्स हमने नहीं लिया है, तो ये मैथ्स हमने ले लिया, और फिर यहां से ओके करेंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे और फिर व्यू पे क्लिक करेंगे, तो अब देखिए अब ये जो है टोटल आ चुका है इस तरीके से, देख सकते हैं, और एवरेज के लिए भी देख सकते हैं हमने सेम तरीका इस्तेमाल किया है। क्योंकि हमको पांच ही सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है, और हमारा एवरेज छिपा कहाँ होगा, हमारा एवरेज छिपा होगा टोटल मार्क्स के अंदर। तो हमने टोटल अंडरस्कोर मार्क्स को 5 से डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा एवरेज। ठीक है, और यहां पर ओके करेंगे, और ओके करने के बाद व्यू पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे यहां पर एवरेज कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और फिर यहां से वापस चलते हैं डिजाइन व्यू पर, टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा, तो चलिए एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स हम बना लेते हैं ग्रेड के लिए। ठीक है, तो यहां से इसे थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं आप चाहे तो, ये इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और थोड़ा सा नीचे, यहां पर जो है टेक्स्ट बॉक्स बनाना जरूरी है। तो यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, क्लिक करते हैं इस पर, और यहां पर आप ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रेड कैलकुलेट करते समय ये आपको बहुत ध्यान देना है कि यहां पर इफ का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इफ नहीं बोलेंगे उसे आई इफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आई इफ, इफ लगाएंगे तब तो गलत हो जाएगा, तो इफ नहीं लगाना, आई इफ लगाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये जो लेबल है, ये जो कैप्शन है, इसको मैं चेंज कर देता हूं ताकि हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक आए। तो यहां से इसे हटा देता हूं, और यहां पर इसे क्या करता हूं, यहां पर इसे लिख देता हूं GRADE ग्रेड। ठीक है, ये इसका लेवल का नेम चेंज हो गया, ग्रेड हो गया। अब यहां पर अनबाउंड पे आऊंगा और इसका भी नाम चेंज कर दूंगा, क्या लिखूंगा, GRADE ग्रेड। अब ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा जब आप ऐसा कर लेंगे, तो कभी कभी आप कैलकुलेट बिल्कुल ठीक करते हो और वो सही से नहीं आता है, तो ये इसी वजह से होता है कि आपने यहाँ पर जो कैप्शन है उसको चेंज नहीं किया, इसी वजह से। अब यहाँ कंट्रोल सोर्स पे जाना है, क्लिक करना है, और यहाँ पर अब कैलकुलेट करना है। तो देखिए भैया आई इफ से कैलकुलेट करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इफ नहीं लगाना, आई इफ लगाना है, इज इक्वल टू आई इफ लगाइएगा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, छोटा ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर लिखिएगा एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर सबसे पहले 85 से स्टार्ट करता हूँ, कॉमा डबल कॉमा में एस ग्रेड,
तो एस ग्रेड आ गया सबसे पहला, सबसे बड़ा ग्रेड 85 या 85 से अबव होगा तो कौन सा ग्रेड आएगा, एस ग्रेड। फिर यहाँ आई इफ लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ लिखिए एवरेज, तो एवरेज को हर बार लाना होगा क्योंकि एवरेज के ही बेस पे हमें तो कैलकुलेट करना है, सीधी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे 75 आ गया, डबल डॉट कॉमा में क्या लिखेंगे, डबल डॉट कॉमा में लिखेंगे ए ग्रेड, तो ये ए ग्रेड हो गया। फिर यहाँ पे आई इफ लगाइए, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और फिर यहाँ पर इसमें एवरेज ही लिखना होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है और यहाँ पर आ जाएगा 65, क्या आ जाएगा 65 आएगा, तो 65 पे कौन सा ग्रेड आएगा, तो यहाँ बी ग्रेड आ जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आई इफ लगाएंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए बी ई आर ए जी एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आया और इसमें हम क्या देंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं 55, ठीक है। तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, सी ग्रेड बनेगा और फिर यहाँ आई इफ लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और फिर यहाँ लिखेंगे एवरेज, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अभी तो हमने 55 तक कर लिया है और अब हमें 50 करना है, यानी लास्ट वाला। तो इफ में दो कंडीशन होती है, ट्रू की और फॉल्स की, ठीक है ना। तो लास्ट में ट्रू फॉल्स दोनों देंगे। अब चूंकि यहां पर ये लास्ट वाला इफ है, कितने इफ लगा चुके हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 और ये पांचवा इफ है, तो यहां पर लास्ट में अब कोई आगे इफ नहीं देना है, तो यहां पर ट्रू फॉल्स दोनों हम देंगे। तो 50 तक रहा तो कौन सा ग्रेड, डी ग्रेड, अदरवाइज इनमें से कोई भी कंडीशन टैली ना करे तो वो बच्चा क्या हो जाए, फेल्ड हो जाए। तो मैंने यहाँ फेल्ड लिख दिया है, एफ कैपिटल कर देता हूँ, स्मॉल हो गया यहाँ पे, तो ये जो फेल्ड का एफ है वो कैपिटल रख देता हूँ यहाँ से एफ, ठीक है। तो ये फेल्ड हो गया। अब ये पांच ब्रैकेट ओपन हुए थे तो पांचों को क्लोज करना हमारी जिम्मेदारी है, तो यहाँ से पांचों क्लोज कर लीजिएगा, क्लोज करके ओके कीजिएगा और ओके करने के बाद जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये बहुत आसान है, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है ना। बहुत आसान है और आसानी से आप कर भी लेंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि सर क्या यहाँ पे प्रॉब्लम जो भी आपको आ रही है, मुझे कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें देखिए एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म को चूज करके और यहाँ पर आप अपना इसको लुक थोड़ा बेटर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से जाएंगे, फॉर्म चूज करेंगे और यहाँ से पॉपअप जो दिया गया इसको यस करेंगे, पॉपअप, ठीक है। तो जब पॉपअप यस होगा तो ये ऐसा दिखेगा, देख रहे हैं, ये एकदम सॉफ्टवेयर जैसा लुक आपको मिलने लगेगा और यहाँ पर जो भी चीजें आपको करनी है यहाँ पे कर सकते हैं। बस एक दिक्कत है इसके साथ, आप यहाँ पर रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्म नहीं जनरेट कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको इसीलिए कहा जाता है कि आप कैलकुलेट करिए किसमें, टेबल में, या तो टेबल में कैलकुलेट करिए या तो क्वेरी बना के करिए। तो क्वेरी आपने नहीं बनाया तो फिर रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे तो वो तो फॉर्म के बेस पे बनेगा। इसको मैं सेव करता हूँ स्टूडेंट एफ के नाम से, ये फॉर्म है हमारा, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए आप क्वेरी बनाने जाएंगे तो यहाँ से क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे या रिपोर्ट डिजाइन पे जाएंगे, तो ये रिपोर्ट किसके बेस पे डिजाइन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये डायरेक्ट रिपोर्ट डिजाइन हो रहा है, तो यहाँ एड एग्जिस्टिंग फील्ड, तो ये तो टेबल ही है ना आपकी, ये टेबल लेंगे तो टेबल के ही बेस पे रिपोर्ट डिजाइन होगा। यहाँ पे देखिए, फिर मैं लेके दिखा देता हूँ आपको कैसे ये रिपोर्ट प्रॉपर वे में नहीं डिजाइन होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि आप फॉर्म व्यू में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल नहीं हुआ है, टोटल हुआ है, स्टूडेंट तो एक ही है सूरज, लेकिन क्या इनका टोटल हुआ है, नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो टोटल किया जाए इसके लिए जरूरी है कि आप एक क्वेरी बना लीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, सारी पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।